दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला जोहानिसबर्ग मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल काफी रोमांचक रहा। दूसरे दिन के मुकाबले की शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने काफी शानदार तरीके से की और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की उसे देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार जीत हासिल करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है। अब तक इस सीरीज में सिर्फ एक ही मैच पूरा हुआ है। सीरीज के दूसरे टेस्ट में कप्तान विराट कोहली चोट की वजह से शामिल नहीं हो सके, जिसके कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की टीम की कमान संभाली है केएल राहुल ने। हालांकि दूसरे टेस्ट में टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के कारण टीम पहली इनिंग में सिर्फ 202 रन बनाकर पहले दिन ही ऑल आउट हो गई। दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका की टीम एक विकेट गंवाकर 35 रन बना चुकी थी। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत भी भारतीय टीम के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, जहां पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तीनों ही गेंदबाज बल्लेबाजों के आगे विफल होते नजर आए। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अच्छे शॉट खेलते हुए नजर आए। 29 ओवर में पीटरसन काफी आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिखे। उन्होंने सिराज के खिलाफ लगातार दो बॉलों पर चौके जड़कर 29 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 60 रन पहुंचाया। वहीं क्रीज पर मौजूद डीन एल्गर भी काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए दिखे, जिन्होंने अश्विन के खिलाफ दो चौके जड़कर 33 ओवर की टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 70 रन पहुंचा दिया था। इस वक्त साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर काफी दबाव बना चुके थे। क्रीज पर मौजूद पीटरसन और डीन एल्गर की जोड़ी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी था और उसी को देखते हुए 39 ओवर में केएल राहुल ने रुख किया शार्दुल ठाकुर की तरफ और केएल राहुल का यह फैसला काफी बेहतर साबित हुआ, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने पांचवीं बॉल पर ही एल्गर को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर 28 ओवर पर चलता कर दिया। उसके अगले ओवर में मोहम्मद शमी काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने पीटरसन के खिलाफ लगातार तीन चौके खाकर इस ओवर में 12 रन दिए। वहीं शार्दुल ठाकुर काफी आक्रामक होते नजर आए। 43 ओवर में एक बार फिर शार्दुल ठाकुर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का कमाल दिखाया और पीटरसन को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कर 62 रन के स्कोर पर चलता कर दिया और उसके अगले ही ओवर में उन्होंने साउथ अफ्रीका को चौथा बड़ा झटका दिया और इस तरह भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर दी। पहले सेशन का मैच खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन था। वहीं दूसरे सेशन की शुरुआत भी साउथ अफ्रीका के लिहाज से अच्छी रही। क्रीज पर मौजूद काइल वेरेन और बवुमा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखे। दोनों की साझेदारी से 65 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन था। अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जलवा दिखाया और काइल वेरेन को LBW आउट कर 21 रन के स्कोर पर ही चलता कर दिया। शार्दुल ठाकुर तो जैसे सोच कर आए थे कि आज वे अकेले ही साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर देंगे। वहीं 67 ओवर में बवुमा को 51 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। दूसरा सेशन खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन था। तो दोस्तों, आपको शार्दुल ठाकुर की खतरनाक गेंदबाजी कैसी लगी? आप उनकी इस गेंदबाजी को 10 में से कितने